तो आप देख सकती हैं ये कितना अच्छा हमारा सूप बन के तैयार हो गया है। तो ये किस चीज़ का? चिकन का सूप है। चिकन का सूप बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये तो गर्मी के लिए मैं बनाई हूँ, पर ठंडियों में इसको बना के पिए तो बहुत अच्छा रहता है। सर्दी जुकाम बुखार खांसी सब गले का खराश सबके लिए अच्छा रहता है। और देखिए सूप हमारा देखने में कितना अच्छा, और देखिए इतना गाढ़ा इतना यमी हुआ है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। अगर आपको सूप बनाना है तो हमारा वीडियो शुरू से एंड तक देखिए, और बहुत टेस्टी सूप बना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन का सूप। तो हम बताते हैं चिकन का सूप गर्मियों में पीने के लिए कैसे बनता है। तो गर्मी वाला सूप हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चम्मच कॉर्नफ्लोर ली हूँ, और ये है पाव भर चिकन। और तो यहाँ पे मैं पेस्ट बना के रखी हूँ। तो इसमें मैं आधा चम्मच जीरा ली हूँ, थोड़ा सा पुदीना ली हूँ, और धनिया है, धनिया की पत्ती है, साबुत धनिया है, और अदरक है, लहसुन है। तो मैं सारा सामान मिक्स करके पेस्ट बना ली हूँ। तो पेस्ट बना के मैं यहाँ पे रखी हूँ। तो देखिए ये सारा मैं आधा आधा चम्मच ऐड की हूँ। और यहाँ पे 200 ग्राम चिकन है, तो इसको मैं अच्छे से धो ली हूँ, इसको साइड में रखी हूँ। यहाँ पे आप देख सकती हैं मैं कढ़ाई रख दी हूँ हीट होने के लिए। और इसमें मैं दो चम्मच तेल का इस्तेमाल की हूँ, सरसों का तेल है। और देखिए हीट हो रहा है, तो इसमें हम ये देखिए लहसुन है, लहसुन को मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ। तो लहसुन में ज़्यादा नहीं, दो कली है, ज़्यादा नहीं है, इसको हम इसी में ऐड कर देते हैं। और ज़्यादा हमको भूनना नहीं है, इसको हल्का सा ब्राउन करना है। और देखिए इसी स्टेज पे हम ये जो चिकन है इसको भी हम एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे, कम से कम 4 से 5 मिनट तक, जब तक इसका कलर एकदम चेंज ना हो जाए तब तक हमको भूनना है। तो दोस्तों आप कभी भी अगर सूप बनाती हैं तो सूप बनाने के लिए हड्डी वाला ये चिकन आप लीजिए, क्योंकि हड्डी वाला चिकन जो रहता है उसका सूप बहुत अच्छा बनता है और पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो अभी फ़िलहाल गर्मी के लिए बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो गया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी स्टेज पे हम जो पेस्ट बना के रखी हूँ उसको भी इसी में ऐड कर देते हैं। तो उसको भी कम से कम 3 से 4 मिनट तक हम भूनेंगे और मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। ये जो सूप है हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसलिए हमको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए जो ये पेस्ट है, मैं एक बार और बता दे रही हूँ, अदरक लहसुन पुदीना और जीरा काली मिर्च का पेस्ट है। तो दोस्तों ये जो सूप ऐसा चीज़ है कि सूप को पीते ही हमारा खांसी जुकाम सर्दी मतलब ये सब, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम बीच बीच में इसको ढक देंगे, तो ढक के भूनेंगे तो थोड़ा जल्दी हमारा सूप बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ और बीच बीच में चेक करते रहना है। तो ये आप देख सकते हैं जो कॉर्नफ्लोर है ये एक चम्मच, इसी चम्मच से मैं एक चम्मच ली हूँ। तो इसमें मैं पानी डाल के इसका अच्छे से घोल बना ले रही हूँ जब तक ये भुना रहा है मसाला हमारा। तो यहाँ पे इतना पानी मैं ले रही हूँ और इसको ऐसे अच्छे से घोल बनाना है। तो देखिए दोस्तों हम कॉर्नफ्लोर इसलिए डालते हैं कि सूप हमारा एकदम अच्छे से गाढ़ा हो जाए, और मतलब ठंडा होने पे भी पीने में मज़ा आए, एकदम टेस्टी लगे। तो ये जो हमारा कॉर्नफ्लोर है तो इसमें हम थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं तो सूप हमारा बहुत अच्छा देखने में लगेगा और पीने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसको हम साइड में रख लेते हैं और इधर हम देखते हैं 2 मिनट हो गया। तो देखिए ये भी एकदम मीडियम फ्लेम पे हम भून रहे हैं, इसको कम से कम अभी 3 से 4 मिनट और लगेगा। तो इसको हम ढक देते हैं। यहाँ पे हम अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ काला नमक भी ऐड कर सकती हैं और डेली वाला भी नमक ऐड कर सकती हैं। तो मैं यहाँ काला नमक का इस्तेमाल की हूँ। तो देखिए आप देख सकती हैं एकदम अच्छे से मसाला भुना गया है। और यहाँ पे मैं हल्दी का इस्तेमाल नहीं की हूँ, तो हम यहाँ पानी ऐड कर दे रही हूँ। और इसमें हरा मिर्चा मैं डाल दी हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार मिर्चे का इस्तेमाल करिएगा। तो आप देख सकती हैं मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी का इस्तेमाल की हूँ।
मीडियम फ्लेम कर दे रही हूँ। इसको हमको कम से कम 3 से 4 मिनट पकाना है, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए और इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए तब तक हमको पकाना है। तो आप देख सकती हैं, अगर इसमें आप मसाला ऐड करना चाहती हैं तो आप इसमें जीरा पाउडर और काली मिर्च ऐड कर सकती हैं। मैं देखिए कम मसाले में एकदम अच्छे से सूप बना रही हूँ और कम बजट में एकदम मस्त सूप बनेगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो। तो देखिए ये उबलने लगा है, इसी स्टेज पे हम कॉर्नफ्लोर डालने जा रहे हैं। तो इसको हम ऐसे अच्छे से फेंट के डालेंगे क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। हम इसको अच्छे से ऐसे मिला लेते हैं, उसके बाद से इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है और हम कॉर्नफ्लोर डाल के इसको ऐसे चलाते ही रहेंगे क्योंकि ये कढ़ाई में नीचे से बैठ जाता है तो हमको ऐसे ही चलाना है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पक गया है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम कॉर्नफ्लोर डाल के कम से कम 4 मिनट इसको पकाई हूँ और देखिए इतना गाढ़ा हो गया है, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो देखिए ये चिकन भी इसमें एकदम अच्छे से हो गया है। तो दोस्तों ये एकदम अच्छे से पक गया है। यहाँ पर मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।